उठो जान बुझ के नटंगी करके गंदा कर रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अभी अपने बगान में हूँ। बगान में अभी देखिए मैं यहाँ पर कुछ गेंदे के फूल लगा रही हूँ और इधर साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगाया है पालक और धनिया। तो ठंडा का सीजन है, कुछ कुछ लगा दे रही हूँ तो खाने के लिए निकल जाएगा। और अभी आप लोग देखिए मैंने किस तरह से गेंदे को छाट छाट के, बड़ा वाला गेंदे को छाट छाट के और इसको लगाऊंगी। और इसको इस तरह से आप लोग छाट के भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे लगाने से लग जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो जो चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक साइड में लगा लिया और यहाँ पर जो मैंने धनिया पालक लगाया है अब उसी के साइड साइड में लगा दूंगी। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा खोदने में भी आसानी पड़ेगी क्योंकि मैंने ये सब कल ही लगाया है तो मिट्टी अभी गीला है, तो इसीलिए देखिए इसके साइड साइड में लगा दूंगी। और ये सब जब बड़ा हो जाएगा ना तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बीच में धनिया पालक रहेगा और साइड साइड में फूल रहेगा और बच्चे भी इधर आएंगे नहीं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, बस थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पालक लगा दे रही हूँ क्योंकि खाने के लिए कभी कभी होता है चटनी वगैरह बनाने के लिए घर का रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। और फिर ज़्यादा कुछ लगाऊंगी तो जगह कम पड़ जाएगा बच्चों को खेलने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा ठंडा मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। तो जब होगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो अभी देखिए मैं साइड साइड में लगा दे रही हूँ फूल सब। और अभी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं बगान का काम करके अंदर में आ गई हूँ और अभी यहाँ पर लगा ले रही हूँ झाड़ू। उसके बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता। और यहाँ पर आप लोगों को खाली खाली लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पहले एक बेड था जिसको मैं अंदर के रूम में अभी लगा के रखी हूँ क्योंकि ये बाहर का रूम है और यहाँ पर बार बार दरवाज़ा खुलता है तो फिर ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है और इसीलिए अंदर के रूम में ठंडा कम लगता है। तो हम लोग ने अंदर के रूम में कर दिया है बेड को, जब ठंडा कम होगा तो फिर उसको बाहर निकालेंगे।
और इधर देखिए मेरे बंदर को कैसे अभी पेड़ में चढ़ के झूलेगा। उसको जब भी थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में ब्रेक मिलेगा ये आकर यहीं पर झूला झूलने लगता है। उठो जान बुझ के नटंगी करके गंदा कर रहे। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, नाश्ता मैंने बना लिया है, हस्बैंड जी खा के चले गए हैं ड्यूटी, और इधर बच्चा सबको भी मैंने खिला दिया है। और अभी मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो देखिए मैं अपने लिए अभी चाय बना रही हूँ और चाय के साथ बनाऊँगी पालक के पकौड़े, क्योंकि अभी पालक भी मेरे पास है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को पकौड़े भी दिखाऊँगी कैसे बनाती हूँ मैं पालक के पकौड़े। अभी देखिए फ्रेंड्स मेरी चाय बन गई है, तो मैं उसको अभी छान लेती हूँ। और ये देखिए मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन जो अभी मेरा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अभी अभी मैंने नाश्ता बनाया है और बर्तन भी मेरे आधे से ज़्यादा जूठे हैं, इसलिए स्टैंड भी देखिए खाली खाली लग रहा है। तो अभी सबको धोऊँगी, काम तो बहुत ज़्यादा है, तो पहले चाय वगैरह पी लूँगी, पकौड़े खा लूँगी, उसके बाद आराम से काम करते रहूँगी, क्योंकि ठंडा में ज़्यादा पानी छूने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी देखिए चाय छान रही हूँ, और आइए आप लोग भी मेरे साथ सुबह सुबह शाम का नाश्ता, सुबह शाम का नाश्ता आज मैंने सुबह सुबह किया है। देखिए चाय मेरा बनकर तैयार हो गया गर्मा गर्म, और अब बना लेती हूँ पालक के पकोड़े को भी। तो आइए मेरे साथ चाय पिए आप लोग भी, और ये देखिए पकोड़े मेरा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसको अभी मैं और ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करूँगी, क्योंकि मुझे एकदम क्रिस्पी बनाना है इसको, और क्रिस्पी पकौड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे पालक के एकदम क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है। और चलिए अभी इसको मैं खाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी नहा ली हूँ और ठंडा बहुत ज्यादा है, और तो देख सकते हैं मैंने सारे कपड़े भी धो दिए हैं, बेडशीट वगैरह देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने धो के यहाँ अंदर में ही पसार दिए हैं। इधर आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। धूप में बैठने